अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्लम केक की रेसिपी, ड्राई फ्रूट्स वाला। इसके लिए चेरी को कट कर कट ली हूँ मैं, किशमिश, टूटी फ्रूटी रेड वाला, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला किशमिश, बादाम, काजू, आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। मैं 4 टेबलस्पून के करीब ले ली हूँ मैं। गैस में एक प्यान ले लियो मैं, प्यान गरम हो चुका है। इसी में आधा कप शुगर है, इसको डाल देंगे, इस तरह का फैला लेंगे ताकि कैरेमल करने के लिए मेल्ट करना है, इसलिए कैरेमल सिर्फ तैयार कर लेंगे, इस तरह का फैला लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, अभी अपने आप पिघलने के लिए, थोड़ा मेल्ट होने के लिए वेट करेंगे। गैस का फ्लेम धीमा है, शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इसको इस तरह का मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा है, पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट होने तक वेट करेंगे। अच्छा कलर आने तक इसको, और अच्छा मेल्ट होने तक इस तरह का मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे केक में कलर अच्छा आ जाएगा बाजार जैसा। पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो चुका है, कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है, और थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। गैस को थोड़े मिनट के लिए बंद कर देंगे। गर्मा गर्म में इसी में आधा कप पानी डाल देंगे, जिस कप से शुगर लेते उसी कप से पानी डाल दीजिए, आधा कप। एक साथ ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, वरना छींटे उड़ जाएगा। आप एहतियात से पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। आधा कप पानी डाल चुकी हूँ, गैस को ऑन कर चुकी हूँ मैं। इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे, बबल्स आने के लिए वेट करेंगे। पक रहा है, इसी स्टेज में इस ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। आप चाहे तो ऑरेंज जूस में भी सोक करके रख सकते हो। बिना ऑरेंज जूस से मैं आज इस तरह का बना के बता रही हूँ आपको। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे ताकि अच्छा जूसी हो जाएगा, सोक कर लेगा ड्राई फ्रूट्स। आप लोगों को बता रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा 2-3 मिनट के लिए थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। पक चुका है, थोड़ा 2-3 मिनट इसी में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट थोड़ा फूल जाएंगे। इसीलिए दूसरी तरफ मैं बिना ओवन के बता रही हूँ, आप कढ़ाई में भी केक बना सकते हो, बेक कर सकते हो। मैं इस तरह का एक खाली वाला इडली का मेकर ले ली हूँ मैं, प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ मैं। आप चाहे तो इस तरह का स्टैंड भी रख सकते हो, इस तरह का भी रख सकते हो, इस तरह का उल्टा रख के जो अवेलेबल है उसी में कढ़ाई में बना सकते हो आप। अंदर से कुछ भी नहीं डाली हूँ मैं, बिना नमक के, नमक कुछ भी नहीं डाली हूँ, डायरेक्ट उसी में स्टैंड रख के इस तरह रख के प्री हीट कर लेंगे। लो फ्लेम में इसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे, तब तक हम बैटर को बना लेंगे, केक का बैटर। आप चाहे तो मोर भी ले सकते हो, इस तरह का पतीला भी ले सकते हो। इसी को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इस तरह का ग्रीस कर ली मैं। इसी में बटर पेपर को रख देंगे इस तरह का, आप बिना बटर पेपर के भी बना सकते हो। इसमें थोड़ा बटर पेपर आपके पास नहीं है तो थोड़ा मैदे के आटे से थोड़ा डस्ट करके मैदा का आटा हटा के केक का बैटर इजी लगेगा, वही तरीके से आप केक बना लीजिए। इसको भी थोड़ा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि केक निकालने में आसानी होगी। इसको एक साइड रख देंगे, फौरन बैटर को तैयार कर लेंगे। बैटर को तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बाउल रख ली हूँ मैं, इसी में
1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। ऑयल में स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए आप। 1/2 कप दूध डाल देंगे रूम टेम्परेचर वाला। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप ऑयल की जगह घी बटर को डाल सकते हो। इसको अच्छे से बीट कर लियो मैं। आटा छानने के लिए थोड़ा इस तरह का जाली रख लेंगे। इसी में 1 कप मैदे का आटा ले लियो मैं। आप मेजरमेंट बराबर देख लीजिए ताकि हमारा केक अच्छे से बन पाएगा। इसी 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अब चाहे दल वरना नहीं। इसी में जाएगा दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, 2 पिंच लौंग का पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से इस तरह का छान लेंगे एक बार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसको मिला लेंगे। इसमें इस ड्राई फ्रूट्स का सिरप डाल देंगे। इसी में ड्राई फ्रूट्स और शुगर सिरप को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, ज्यादा जोर से नहीं मिक्स करेंगे। आपको बैटर थोड़ा थिक लगा तो 1 टेबलस्पून ऊपर दूध डाल दीजिए रूम टेम्परेचर वाला। इसको मोल्ड में डाल देंगे, केक टिन में डाल देंगे। इस प्रोसीजर को थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए। बेकिंग पाउडर डालने के बाद, आपके पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हो लास्ट में। थोड़ा टैप कर लेंगे, इस तरह टैप कर लेंगे। इसी में थोड़ा टूटी फ्रूटी को थोड़ा गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। इसी में थोड़ा 1/4 टीस्पून के करीब थोड़ा मैदा का आटा इस तरह डस्ट कर लेंगे ताकि अंदर तक नहीं जाएगा। इस तरह करने से बैटर के अंदर नहीं जाएगा। इसको फौरन थोड़ा इस तरह कर लेंगे, थोड़ा काजू से थोड़ा गार्निशिंग करेंगे। दिखने में अच्छा लगेगा, खाने में इतना टेस्टी लगेगा। प्री हीट करने के लिए रख दी थी, एहतियात से इसको खोल लेंगे। इस केक का बैटर को रख देंगे आप इस तरह का रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे, लो से थोड़ा ज्यादा रखेंगे। इसको 45 मिनट से थोड़ा 10 मिनट 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। तकरीबन 45 मिनट तक इसको वेट करेंगे, बीच में नहीं देखेंगे। 1/2 घंटे के बाद आप बीच में चेक कर सकते हो। बीच में चेक करने से सही से नहीं बन पाएगा। 45 मिनट्स के बाद मिलती हूँ आपको, चेक कर लेंगे। 45 मिनट्स हो गया है, एक टूथ पी के क्लीन निकल गया है, आप देख लीजिए। गैस को कर देंगे बंद, थोड़ा ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। इसको बाहर निकाल लेंगे, ठंडा हो चुका है। इसको डिमोल्ड कर देंगे, साइड्स के किनारों को छुड़ा देंगे। अच्छा परफेक्ट बन चुका है। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे।
इस तरह से प्लेट लेंगे, इसको पलटी कर देंगे, इस तरह टैप कर लेंगे, इसको हल्के हाथों से निकालेंगे। आप देख लीजिए, बटर पेपर को हटा लेंगे। बटर पेपर काट चुकी हूँ मैं, इसको सीधा कर लेंगे इस तरह का। आप देख लीजिए कितना अच्छे यम्मी मज़ेदार सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप देख लीजिए इसका टेक्सचर, देख लीजिए लुक। कट करके बताती हूँ मैं, इसको आसानी से घर पर बनाकर खा लीजिए। देख लीजिए सॉफ्ट, बराबर मेजरमेंट में आप बनाएंगे तो इसी तरह का मजे का बनता है। अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है ये अंदर से सॉफ्ट, थोड़ा भी ड्राई नहीं है। आप देख लीजिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।